के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे पेपर लीक को लेकर। नीट परीक्षा विवादों के घेरे में है। मामले की तार गुजरात के अहमदाबाद के हजारीबाग तक और पटना से लातूर तक जुड़ चुके हैं। पुलिस अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पेपर लीक की तरह तह तक जाने के लिए सीबीआई भी जोर शोर से जुटी हुई है। सीबीआई की एक टीम पटना में मौजूद है तो दूसरी टीम गुजरात के गोधरा में जांच कर रही है। सीबीआई पेपर लीक के सरगना समेत तमाम आरोपियों से पूछताछ की कोशिश में है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर पेपर लीक कहां से हुआ। पेपर की छपाई के दौरान गड़बड़ी हुई या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बॉक्स से पेपर निकाला गया। पेपर लीक में कुरियर सर्विस के कर्मचारियों की भूमिका भी शक के दायरे में होती है। चूंकि ये काम सैलरी वाले कर्मचारी होते हैं, ये कम सैलरी वाले कर्मचारी होते हैं। आज हम इसकी तहकीकात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। मामले को लेकर जमकर बवाल काटा जा रहा है। छात्रों के साथ ही कई संगठन और राजनीतिक दल भी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। मामले को तूल पकड़ता देख सरकार ने मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई की टीम भी मामले की तह तक जाने के लिए जोर शोर से जुटी हुई है। बाकायदा सीबीआई की दो टीमें जांच में जुटी हैं। केंद्रीय एजेंसी की एक टीम बिहार की राजधानी पटना में डेरा डाले हुए है तो सीबीआई की दूसरी टीम नीट पेपर लीक के गोधरा कनेक्शन की जांच कर रही है। हालांकि सिविल कोर्ट ने नीट पेपर लीक के सरगना संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए सीबीआई रणनीति बना रही है। तो प्रश्न पत्र लीक मामले में अब सीबीआई ने काफी तेजी से जांच शुरू कर दी है। इस वक्त मौजूद है हम इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट पटना के कार्यालय के बाहर, और यहाँ पर थोड़ी देर पहले सीबीआई के अधिकारी पहुंचे। चार सदस्य जो टीम थी वो यहाँ पर पहुंची हुई थी और पटना के एसएसपी भी यहाँ पहुंचे हुए थे। इसके अलावा जो एडीजी हैं ईओयू के नैयर हसनैन खान वो भी मौजूद थे। डीआईजी जिनके जिम्मे प्रश्न पत्र लीक मामले की अब तक इन्वेस्टिगेशन थी, यानी उनके उनसे भी जो सीबीआई के अधिकारी हैं उनकी पूछताछ हुई है। तो जांच जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच एक और जानकारी मिली है कि देखिए कितना शातिर है संजीव मुखिया। उसने अपनी गिरफ्तारी पर रोक को लेकर देखिए कि उसने एक कोहेसिव जो एक्शन होता है उसने पहले ही कोर्ट में दाखिल कर दिया था और उसे इस बात का अंदेशा था कि उस पर शिकंजा कस सकता है। फिलहाल सीबीआई आरोपियों के पास से जब्त किए गए मोबाइल फोन और क्वेश्चन पेपर की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई उसकी स्टडी करेगी और फिर जांच को आगे बढ़ाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीबीआई बिहार पुलिस और गुजरात पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि एक एक कर सभी आरोपियों को रिमांड पर लेगी और उनसे पेपर लीक को लेकर पूछताछ करेगी। वहीं एचआरडी मंत्रालय ने सीबीआई से कहा है कि अगर लोक सेवकों की किसी भी तरह की भूमिका नजर आती है तो उसकी पूरी तरह से जांच करें। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें बिहार और झारखंड से 18, महाराष्ट्र से 2 और गुजरात से 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं सीबीआई आरोपियों से पूछताछ कर इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर क्वेश्चन पेपर की छपाई, ट्रांसपोर्टेशन या फिर एग्जाम सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया के बीच कहां धांधली हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जो है वो लगातार जांच कर रही है और अब तक जांच में क्या कुछ हासिल हुआ है ये आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए जरा हम विस्तार से समझाते हैं। और अब तक सीबीआई की जांच गुजरात में कहां पर पहुंची है, पटना में कहां पर पहुंची है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। कितने लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लगभग ये कहा जा रहा है कि 25 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी हैं। आगे हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा समझाते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है ये एक बार हम समझाते हैं। देखिए कहाँ से लीक हुआ पेपर, सीबीआई जांच में क्या क्या पता चलेगा। देखिए किन किन मामलों को लेकर जांच की जा रही है, कहां से पेपर लीक हुआ, 67 छात्रों ने कैसे टॉप किया, 720 में से 720 अंक 67 छात्रों के कैसे आ गए, ग्रेस मार्क्स के पीछे कोई गड़बड़ी तो नहीं,
जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्या उसमें कोई गड़बड़ी है, किस बिहा पर ग्रेस मार्क दिए गए, सॉल्वर गैंग तक प्रश्न पत्र कैसे पहुंचा। जो सॉल्वर गैंग है, जो पूरे नीट परीक्षा लीक के पीछे काम कर रहा है, उन तक क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचा। मामले में एनटीए को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और एनटीए की किस तरह की भूमिका है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहां से लीक हुआ पेपर, ये जानना भी जरूरी है। देखिए, अहमदाबाद से पेपर निकला, रांची पहुंचा, हजारीबाग कुरियर ऑफिस पहुंचा, स्टेट बैंक तक पहुंचा, एग्जाम सेंटर पहुंचा। देखिए, ये पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि इसी ट्रैक के जरिए पेपर जो है वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है। सबसे पहले अहमदाबाद से पेपर निकला, रांची पहुंचा, हजारीबाग कुरियर ऑफिस, कुरियर ऑफिस से स्टेट बैंक, स्टेट बैंक से डायरेक्ट जो है वो एग्जाम सेंटर पहुंचा। कैसे लीक हुआ नीट का पेपर। अब इन पांच जगह, जो पांच मेन पॉइंट्स हैं, इनसे कहां पर पेपर लीक हुआ, देखिए कैसे हुआ पेपर लीक। प्रश्न पत्र 9 बक्से में रखे हुए थे। देखिए, 9 बॉक्सेस ऐसे थे जिनमें क्वेश्चन पेपर को रखा गया था। एक बक्से में प्रश्न पत्र के तीन बंडल थे, तीन बंडल एक बक्से में थे। एक बंडल में 24 प्रश्न पत्र होते हैं। एक बंडल में आप सोचिए कि 24 पत्र जो क्वेश्चन पेपर है वो होते हैं, और एक बॉक्स में तीन बंडल होते हैं, यानी कि 24 के तीन सेट। और फिर उसके बाद प्रश्न पत्र 9वें बक्से में रखे हुए थे। 9 बक्सों में प्रश्न पत्र को रखा गया था। कैसे पेपर लीक हुआ, एक बक्से में प्रश्न पत्र के तीन बंडल थे, यानी कि तीन बंडल, और एक बंडल में 24 प्रश्न पत्र होते हैं, सोचिए इनके जरिए, और 24 के तीन सेट हो गए एक बक्से में, और ऐसे 9 बॉक्सेस जो हैं वो प्रश्न पत्र रखने के लिए बनाए गए थे। अब ये पेपर कौन सा बॉक्स कैसे और कहां पर गायब हुआ, ये तमाम चीजें जो हैं वो सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। प्रश्न पत्र 9 बॉक्स में रखे हुए थे, एक बॉक्स में तीन बंडल होते हैं, और एक बंडल जो है वो 24 सेट का होता है, 24 सेट होते हैं, यानी 24 बच्चों को वो दिया जा सकता है। पेपर कहां लीक हुआ, कुरियर ऑफिस और बैंक के बीच लीक हुआ पेपर, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिरकार जो पांच पॉइंट है, दबाव से चलकर पेपर सेंटर तक पहुंचा, क्या स्कूल या फिर बैंक के बीच हेराफेरी हुई, स्कूल और बैंक, यानी कि जो सेंटर बनाया गया था एग्जाम देने के लिए, बैंक से जब एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचा, क्या वहां पर हेराफेरी हुई, 4 किलोमीटर जाने में कितना वक्त लगा, कुरियर ऑफिस और बैंक के बीच क्या पेपर लीक हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, स्कूल या बैंक के बीच निकाला गया पेपर। देखिए, स्कूल बैंक से जब स्कूल ले जाया जा रहा था, क्या स्पीच क्वेश्चन पेपर निकाला गया, स्कूल और बैंक के बीच में हेराफेरी क्या की गई, पेपर कहाँ लीक हुआ, ये देखिए बड़े सवाल हैं। 4 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटे क्यों लगे, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 4 किलोमीटर की दूरी आखिरकार कोई 1.5 घंटे में कैसे पूरी कर सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब बैंक से पेपर लेकर निकले तो जो एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचा तो 1.5 घंटे का वक्त लग गया। 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है, ये बहुत अहम सवाल है। और सवाल ये भी कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सीबीआई की जांच के दायरे में हैं, पूछताछ लगातार सीबीआई तमाम लोगों से कर रही है। और इस पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए विकास श्रीवास्तव मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं, और जयेश सोनी जो हैं वो सूरत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे दोनों संवाददाता। सबसे पहले जयेश, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि अहमदाबाद से पेपर जब निकलता है और एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है, सबसे अहम सवाल तब खड़ा हो रहा है जब हम ये देख रहे हैं कि जो बैंक से पेपर जब एग्जाम सेंटर तक जाता है तो 4 किलोमीटर की दूरी जो कि 1.5 घंटे में पूरी की जा सकती की गई जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम दूरी है, और मुझे लगता है कि 15-20 आधा घंटा बहुत ज़्यादा जिसमें पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन ये 1.5 घंटे में जो दूरी तय की गई 4 किलोमीटर की, ये तमाम सवाल खड़े कर रही है। सीबीआई को गुजरात में जो जांच गौधरा सेंटर में की गई, वहां से अब तक क्या मिला है, और दूसरा 1.5 घंटे की दूरी जो तमाम सवाल खड़े कर रही है, और ये लग रहा है कि मोस्ट प्रोबली पेपर लीक जो है वो क्या इसी दूरी को कवर करने में हुआ। बिल्कुल, ये बहुत ही आशंका जताने वाली बात है कि 1.5 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी क्वेश्चन पेपर सेंटर तक पहुंचते हैं वो सील किए हुए होते हैं, और सेंटर पर पहुंचने के बाद जब उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है उसी टाइम उसका सील खोला जाता है। तो ये भी बात जाननी पड़ेगी सीबीआई को कि ये जो पेपर यहाँ से सेंटर तक पहुंचा है
तो उसके बाद उसका सील खुला हुआ था या नहीं खुला हुआ था, इतनी देर क्यों लगी, किस वजह से ये इतनी दूरी तय करने में डेढ़ घंटे जितना टाइम लग गया, जैसे बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि गोधरा में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, तो मैं आपको बता दूं कि कल ही गोधरा पुलिस ने सारे जो केस पेपर्स थे वो सीबीआई को सबमिट कर दिए थे, लेकिन वो सारे पेपर गुजराती में थे, तो आज पूरे दिन सीबीआई की टीम ने उसको ट्रांसलेट करने में लगाया है। सारे जितने भी एफआईआर की कॉपी, जितने भी जो स्टेटमेंट आरोपियों के और जो भी पंचनामा वगैरह जो भी दस्तावेजी पेपर्स थे, वो सारे पेपर गुजराती में थे, तो उसको ट्रांसलेट करने में काफी वक्त लग रहा है, और सीबीआई उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के बाद जो है पूरी जानकारी केस पेपरों के बारे में डीप में स्टडी करने के बाद अपनी जांच जो है वो आगे बढ़ा सकती है। तो यही सारी चीजें हैं। कुछ लोगों के जो आईओ है, जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया था पुलिस ने, उस आईओ से भी पूछताछ की गई है, बहुत सारी जानकारी जो है लोकल पुलिस ने सीबीआई के साथ शेयर की है। आने वाले दिनों में ये भी सामने आ सकता है कि जो 5 आरोपियों की जो अरेस्ट करके अभी जो वो जेल में बंद है, उनसे भी शायद सीबीआई पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा भी और भी नाम खुल सकते हैं जो कि इस पूरे रैकेट के अंदर शामिल होने के जो आसार दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये स्कूल का एक शिक्षक और प्रिंसिपल इसके अंदर दोषी पाया गया। हमारे साथ रहिएगा, विकास आप भी हमारे साथ रहिएगा, आगे इस पर हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है लातूर से, इस वक्त की बड़ी खबर का को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है। देखिये, नीट पेपर लीक मामले में लातूर से ये बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तार प्रिंसिपल को 2 जुलाई तक पुलिस ने पूछताछ की जाएगी, 2 जुलाई तक। दूसरे आरोपी संजय यादव को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है, 2 और एजेंट्स को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है। जलील पठान के लिए काम करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो लातूर से ये बड़ी खबर, गिरफ्तार प्रिंसिपल को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। प्रिंसिपल जलील पठान से पूछताछ करेगी पुलिस। दूसरे आरोपी संजय जाधव को भी पुलिस पूछताछ करने के लिए बुलाएगी। और विकास, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, लातूर जहां पर ये जानकारी मिल रही है, प्रिंसिपल को 2 जुलाई तक हिरासत में रखा गया है, पूछताछ की जाएगी, इस मामले को लेकर क्या अपडेट है और कैसे लातूर से इस नीट पेपर लीक मामले को लेकर तार जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, नीट पेपर लीक के जांच की आज महाराष्ट्र तक भी आ गई है और अब इस मामले में 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो कि शिक्षा के पेशे से बिलोंग करते हैं, जिसमें जलील पठान नाम का एक आरोपी है जो कि एक जिला परिषद स्कूल का प्रिंसिपल है। इसके अलावा संजय जाधव नाम का जो व्यक्ति है जिसको आज गिरफ्तार किया गया है, वो भी एक शिक्षक है और ये जिला परिषद स्कूल में ही टीचिंग करता था। चूंकि लातूर जो है एक टीचिंग हब है, कोचिंग हब है, ये दोनों ही कोचिंग सेंटर चलाया करते थे और नीट की परीक्षा की तैयारियां स्टूडेंट्स को करवाया करते थे। पुलिस को शक हुआ, पुलिस को टिप ऑफ मिली। इस मामले में मैं बताऊं कि अभी तक सीबीआई इन्वॉल्व नहीं हुई है। नांदेड़ एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई को जितने केसेस हैंडओवर किए गए हैं उसमें महाराष्ट्र वाला केस अभी तक नहीं है। अभी तक इस मामले की जांच नांदेड़ एटीएस के पास है और लातूर पुलिस पैरेलली इसकी जांच कर रही है। और उनका ये कहना है कि हमें टिप ऑफ मिली थी कि ये दोनों ही आरोपी जो हैं ये पैसों के एवज में नीट परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारियाँ स्टूडेंट्स को मुहैया कराते थे। 50,000 रुपया ये पेशगी के तौर पर लेते थे, मतलब एडवांस लेते थे, और इसके बाद 4.5 लाख रुपए जो होते थे वो काम हो जाने के बाद लिया जाता था, ऐसा पुलिस की थियरी है। मतलब एक स्टूडेंट से 5 लाख रुपए लिए जाते थे और नीट परीक्षा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां ताकि नीट परीक्षा क्रैक की जा सके वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाती थी। इसके अलावा 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिनमें 2 गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं, जलील पठान जो कि प्रिंसिपल है, संजय यादव जो कि टीचर है। इसके अलावा 2 और लोगों के नाम निकल कर सामने आए हैं, जिसमें एक ईरम कोंगलवार करके धाराशिव जिले का एक व्यक्ति है जो कि बिचौलिया है, और इसके अलावा गंगाधर नाम का एक शख्स है जो कि दिल्ली से बिलोंग करता है। वो रहने वाला तो महाराष्ट्र का ही है लेकिन ज़्यादातर दिल्ली में रहता है, और नांदेड़ पुलिस ये मानकर चल रही है कि ये गंगाधर ही जो है ये पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। इसी के जरिए जो है स्टूडेंट जो है वो को अप्रोच किया जाता था और इवेंचुअली जो मनी ट्रेल है ये 2 शिक्षकों से होता हुआ इस गंगाधर तक पहुंचा, और इसी वजह से गंगाधर और इस ईरम कोंगलवार नाम के व्यक्ति को खोजने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की 4 टीमें
लातूर और दिल्ली में इस वक्त अलग अलग जगह पर भेजी गई हैं, ऐसा हमें पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। विकास, तो कुल मिलाकर सवाल ये बड़ा है नीट कि अगर इन्वॉल्वमेंट टीचर की होगी, अगर इन्वॉल्वमेंट प्रिंसिपल की होगी, फिर भरोसा किस पर किया जाए, एग्जाम किसके भरोसे करा जाए। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब पेपर लीक हुआ है। शक्ति भी हमारे साथ बने हुए हैं, आगे शक्ति से भी इस पर हम अपडेट लेंगे, लेकिन एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आखिरकार ये कोई पहला पेपर लीक का मामला नहीं है। पटना में पेपर लीक को लेकर किस तरह से सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन आप जरा ये समझिए कि ओएसएस स्कूल प्रबंधन पर आखिरकार शक क्यों है। ओएसएस स्कूल को लेकर देखिए, बैंक से स्कूल पहुंचने के बीच क्या पेपर लीक हुआ, स्कूल पहुंचने के बाद पेपर लीक हुआ, पहली आशंका जो है ओएसएस स्कूल प्रबंधक पर शक, बैंक से स्कूल पहुंचने के बीच पेपर लीक हुआ, दूसरी आशंका है ये। देखिए, शक गहराने की पहली वजह ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को कोऑर्डिनेटर थे इस पूरे एग्जाम को लेकर, ओएसएस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट थे एग्जाम की कराने को लेकर जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं, एक प्रोफेसर को सेंटर पर ऑब्जर्वर बनाया गया था। शक गहराने की तीसरी वजह, स्कूल पहुंचने के बाद पेपर लीक हुआ, ये पहली आशंका है। कई सारी आशंकाएं हैं और इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखकर सीबीआई जांच कर रही है। दूसरी आशंका, बैंक से स्कूल पहुंचने के बीच क्या पेपर लीक हुआ। अब सोचिए, शक गहराने की पहली वजह, ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर थे, यानी सारी चीज उन्हें कोऑर्डिनेट करनी थी, ओएसएस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट थे इस पूरे पेपर को जिस सेंटर पर कराया जा रहा था, एक प्रोफेसर को सेंटर पर ऑब्जर्वर बनाया गया था। शक गहराने की तीसरी वजह, और ये तमाम लोग जो हैं वो ओएसएस स्कूल से जुड़े हुए हैं, स्कूल पहुंचने के बाद क्या पेपर लीक हुआ, सबसे पहली आशंका तो यही है। शक्ति हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। पटना, शक्ति, पटना को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, सीबीआई जहां पर तमाम पुलिस अधिकारियों से पूछताछ कर रही है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की पूछताछ में अभी तक क्या सामने निकल कर आया, और एक ओएसएस स्कूल जो लगातार सवालों के घेरे में है, यहां पर क्या क्या शक के दायरे में है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रोफेसर, इन तीनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इस पेपर नीट पेपर लीक कांड से जब खुलासा करते थे पटना ईयूयू द्वारा किया गया था, और अब जो है फिलहाल इस तमाम जो केस है उसको सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है, और सीबीआई इसको लेकर जांच भी आगे का काम शुरू कर चुकी है। और सबसे अहम ये है कि अब सीबीआई की जांच में जो पता चला है और ईयूयू ने जो इनपुट दिया था, ये पता चला था कि जो हजारीबाग में जो है क्वेश्चन पेपर, हजारीबाग के स्कूल से जो है ये क्वेश्चन पेपर बाहर निकला था, और आपको बताएं कि क्वेश्चन पेपर तो पहले बैंक से जो है हजारीबाग के ओएसएस स्कूल गया था, और वहां से तकरीबन जो सेंटर पर था, और सेंटर पर जो है 1:15 पर जो है ये डिजिटल लॉक के द्वारा जो होता है क्वेश्चन पेपर डिजिटल लॉक में जाता है, और कहीं ना कहीं ये डिजिटल लॉक को जो है कहा गया था कि 1:15 पर ये डिजिटल लॉक बीप की आवाज के साथ खुलेगा, लेकिन उस समय नहीं खुला, और वहाँ के प्रिंसिपल का ये कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरे मामले को लेकर संगीनता ज्यादा बढ़ गई है उनके, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल लॉक जो है जब पुलिस की टीम वहां पहुंची, यूओ की टीम पहुंची थी, तो डिजिटल लॉक जो है टूटा हुआ था, हालांकि इसको लेकर जो है प्रिंसिपल ने ये कहा कि जो जब स्कूल पहुंचा पेपर सेंटर पर पहुंचा तो डिजिटल लॉक जो है वो टूटा हुआ था, तो क्या ये जो गड़बड़ी हुई है वो बैंक से लेकर स्कूल तक पहुंचने में हुई है, या फिर स्कूल में ही ये गड़बड़ी हुई है, इस पर अभी कुछ क्लियर हो पाया है? देखिए, जो सूचना जो खबर हमें मिल रही है जो कवाज से, ये कहीं ना कहीं स्कूल को लेकर जो है जो स्कूल जो है संदेह के घेरे में है, क्योंकि जब 1:15 पर बीप की आवाज का डिजिटल लॉक खुलना था तो ये डिजिटल लॉक पहले कैसे खुल गया, हालांकि इसको लेकर प्रिंसिपल ने सफाई दी, उन्होंने कहा कि जो लॉक किसी कारणवश नहीं खुल पाया था, तो हमने एनटीए को उसको लेकर बड़ा सूचना दी, और उसके बाद कहा कि इसे आप तोड़ काट के इसको लॉक को खोले, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है अब जांच अधिकारियों को पच नहीं रही है, क्योंकि जांच अधिकारियों को ये बात पच नहीं रही है, और इसीलिए इस पर जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पटना में पेपर लीक का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी यहाँ कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और सीबीआई को जांच का जिम्मा भी मिल चुका है, लेकिन नतीजा कोई खास नहीं रहा। पटना में हमारे सहयोगी शक्ति कुमार ने बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद से खास बातचीत की है, सुनिए सर। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी है,
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभियानंद सर हैं। सर, अब सीबीआई इस मामले को जांच कर रही है, क्या कर? मैंने भी आप ही लोगों के माध्यम से सुना है, सीबीआई में मैंने भी काम किया है 4 साल तक, बहुत पहले। उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, अनुसंधान में तो जो लेवल उनका है वो किसी स्टेट पुलिस का नहीं हो सकता है। एक ही जो थोड़ी कमी नज़र आती है वो है स्पीड की। स्पीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि वो बहुत फूंक फूंक करके चलते हैं और तथ्यों को बढ़िया से एकत्रित करके विश्लेषित करते हैं। अभी जो रिक्वायरमेंट था वो था स्पीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड स्पीड ऑफ ट्रायल, जिसको स्पीडी ट्रायल मैं कहता हूँ। सीबीआई में भी ट्रायल पर जोर दिया जाता है, लेकिन वहाँ भी फिर वही है, हालांकि स्पेशल कोर्ट उनका होता है, अलग होता है, फिर भी ट्रायल की का स्पीड कम। बिहार पुलिस में आपको जानकारी होगी कि मैंने स्पीडी ट्रायल की एक प्रथा स्टार्ट की थी यहाँ, जिसका बहुत बड़ा फायदा हुआ था क्राइम पर। तो ये हम सोच रहे थे कि नीट 2024 के भी मामलों का ट्रायल अगर जल्दी त्वरित गति से हो जाता, सजा हो जाती, तो एक इम्पैक्ट पड़ता। सर, आखिर ऐसा क्या है कि इस तरह के पेपर लीक मामले में आज तक किसी भी जो सेटर होते हैं उसकी कोई कह सकते हैं कि उस पर अभी तक कोई सजा नहीं हुई है आज तक में? ऐसा क्या है, कहाँ सिस्टम कमज़ोर पड़ जा रहा है, प्रशासनिक सिस्टम जो है कहाँ कमज़ोर पड़ जा रहा है? स्पीडी ट्रायल का जो प्रोसेस है वो पुलिस अगर अपनी ओर से प्रयास करे तो वो करा ले सकता है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि कोर्ट पिक एंड चूज करके करा ले कोई केस का, तो वो नहीं करेंगे। नॉर्मली कोर्ट में प्रोसीजर्स लेड आउट हैं, उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक्स केस का हुआ या वाई केस का हुआ। बट अगर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो केसेस डिटेक्ट हो जाते हैं और उसका सामाजिक इम्पैक्ट होने वाला है, तो आप बात करके करा ले सकते हैं, और उसके तरीके भी हैं, सीआरपीसी में बहुत सारे सेक्शंस हैं। सर, नीट जैसी परीक्षा में इसमें लाखों छात्रों का भविष्य तो जुड़ा ही हुआ है, साथ में हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी जो है कहीं ना कहीं से काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगी, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये परीक्षा को फिर से कैंसिल करना चाहिए या क्या विमान? मेरी अपनी सोच है कि बिना कैंसिल किए हुए तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, क्योंकि आप ऐसे भी देखिए, एक ही केस, एक ही नीट 2024 के 3 रिजल्ट निकलेंगे। देखिए, नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। सीबीआई की जांच में अब तक क्या क्या सामने आया हमने आपको बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।